नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की सेशन में हम जानेंगे कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कितने तरह के होते हैं और वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। लेकिन आज के सब्जेक्ट को समझने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट को ठीक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और कलीग को भी हमारे क्वालिटी हब इंडिया चैनल के बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑडिट। लेकिन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑडिट समझने से पहले आइए पहले समझते हैं कि ऑडिट होता क्या है। तो दोस्तों, ऑडिट का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें कुछ बायसनेस नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए कैसे कैसे ऑडिट करना है। सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड इवैल्यूएटिंग इट ऑब्जेक्टिवली। यानी कि हम सिस्टम को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करेंगे ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। यानी कि सिस्टम हमारा कैसा काम कर रहा है इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस ढूंढेंगे टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। यानी कि ऑडिट का जो क्राइटेरिया है, अब जिस पर्पस के लिए ऑडिट कर रहे हैं आपने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा। अब ये अलग अलग तरह के ऑडिट पर डिपेंड करते हैं, क्या क्या तरह के ऑडिट होते हैं हम अभी कुछ देर में समझेंगे। तो ऑडिट का पर्पस क्या हो गया कि आपने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है एज एन ऑडिटर, उन क्राइटेरिया के बेस पे आप ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंटली सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में, कि जिस एरिया का, जिस प्रोसेस का आप ऑडिट कर रहे हैं वो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं। यानी कि उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने हैं, कंप्लायंस कितने हैं और नॉन कंप्लायंस कितने हैं, हम दोनों को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हो गया ऑडिट। आइए अब जानते हैं कि ऑडिट होते कितने तरह के हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम सिस्टम ऑडिट की बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो दूसरे तरह के भी ऑडिट होते हैं, प्रोसेस ऑडिट होते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत तरह के ऑडिट होते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सिस्टम ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑडिट तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकेंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन पार्टी ऑडिट होते हैं। अभी पार्टी कौन है और क्या पर्पस होता है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इसको भी जरा समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्टी ऑडिट से। तो जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट होता है इसे हम इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं। अब इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या हो गया, दीज आर कंडक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ फॉर मैनेजमेंट रिव्यू एंड अदर इंटरनल पर्पसेस। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कर सकती है अपने द्वारा या किसी दूसरे एजेंसी को भी हायर कर सकती है अपने बिहाफ में अपने इंटरनल प्रोसेस को असेसमेंट करने के लिए। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्टी ऑडिट। तो जनरली कैसा होता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट, तो किसी भी सिस्टम में, चाहे वो ISO 9001 हो, EMS हो, OSAS हो, IATF हो, जनरली क्या होता है, इंटरनल ऑडिट का एक शेड्यूल होता है, एनुअल शेड्यूल बनाते हैं जिसमें हर एक फंक्शन का एक फ्रीक्वेंसी के बेस पर ऑडिट किया जाता है। अभी फ्रीक्वेंसी डायनामिक हो सकती है, डायनामिक होना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन काफी सारे कंपनियां क्या करती है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रखती है, जैसे कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली, कुछ कुछ शायद एनुअली भी करते हैं इंटरनल ऑडिट। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो आपने जो असेसमेंट किया है तो एरिया की, प्रोसेस की, सिस्टम की क्रिटिकलिटी को नजर में रखते हुए फ्रीक्वेंसी को डायनामिक रखिए। डायनामिक कहने से मतलब है कि जो फंक्शन, जो प्रोसेस आपको क्रिटिकल नजर आता है, ज्यादा नॉन कंफर्मिटी मिल रही है, ज्यादा इश्यूज हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ी हाई रखिए। जहां पर क्रिटिकलिटी कम है, इश्यूज कम है, फोकस आपको कम रखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी वहां थोड़ा कम कर लीजिए। और ये भी अप्रोच जो है ये फिक्स नहीं रहेगा, ये भी समय के हिसाब से आपका बदलते रहना चाहिए। तो होता क्या है, जनरली एक कैलेंडर बनाते हैं और उस कैलेंडर में
जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स या फंक्शन का नाम लिखते हुए उनके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जाती है कि कौन कौन से एरिया का कब कब ऑडिट किया जाएगा एक फ्रीक्वेंसी में। सपोज आपको क्वार्टरली ऑडिट करना है तो फर्स्ट क्वार्टर का जो आपका शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल में डिपार्टमेंट्स का नाम या फंक्शंस का नाम, कौन कौन ऑडिटर रहेगा, ऑडिटर का नाम, ऑडिटी का नाम, कब ऑडिट किया जाएगा यानी कि डेट ऑफ ऑडिट, आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं और स्कोप क्राइटेरिया वगैरह भी मेंशन किया रहता है। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पार्टी ऑडिट। आज हम लोग ऑडिट प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एजेंडा नहीं है, हम उसके बारे में भी दूसरा सेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्टी ऑडिट हमारा क्लियर हो गया, अब हम समझते हैं सेकेंड पार्टी ऑडिट। तो दोस्तों सेकेंड पार्टी ऑडिट जो होता है ये ऑडिट होता है जब एक कस्टमर अपने सप्लायर का ऑडिट करता है, यानी कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने सप्लायर का ऑडिट करने के लिए उसके प्रमाइस में गए हैं, अपने चेकलिस्ट अपने ऑडिट क्राइटेरिया के हिसाब से आप उनका असेसमेंट कर रहे हैं तो सेकेंड पार्टी ऑडिट होगा। अगर आप कस्टमर आपके प्रमाइस में आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का असेसमेंट करने के लिए आया हुआ है तो वो भी कस्टमर ऑडिट या सेकेंड पार्टी ऑडिट कहलाएगा। तो सेकेंड पार्टी ऑडिट जो होता है ये बेसिकली कस्टमर और सप्लायर के बीच में होता है, कस्टमर सप्लायर का ऑडिट करता है। अब इसमें क्या है, सेकेंड पार्टी ऑडिट में कस्टमर और सप्लायर के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप होता है। आइए अब समझते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होता है। तो दोस्तों थर्ड पार्टी ऑडिट जो होता है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक एक्सटर्नल एजेंसी सर्टिफिकेशन के पर्पस से आपके ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट करेगी। जैसे कि हमारे काफी सारे सर्टिफिकेशन बॉडीज होते हैं, जैसे कि TUB है, BSI है, UL है, BBQI है, तो काफी सारे एजेंसीज हैं जो कि सर्टिफिकेशन के पर्पस से आपके सिस्टम का असेसमेंट करते हैं और अगर आप क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं और मेजर नॉन कंफर्मिटी नहीं मिलती है तो आपको उस सिस्टम के इवोल्यूशन के बाद में आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो भी सिस्टम के लिए हो, चाहे वो ISO 9001 हो, 14001 हो, OSAS हो या IATF या कोई और सिस्टम हो। तो थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या होता है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है तो सर्टिफिकेशन बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होता है, वो सर्टिफिकेशन के पर्पस से आते हैं, आपके सिस्टम का असेसमेंट करते हैं और क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में आपको सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, या आप अगर सर्विलेंस में जा रहे हैं या रीसर्टिफिकेशन में जा रहे हैं तो उसको फुलफिल किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिट। एक बार थोड़ा जल्दी से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टी ऑडिट, इसको इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं। इसमें इंटरनल कंपनी के जो लोग होते हैं अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट का, दूसरे फंक्शन का सिस्टम का असेसमेंट करते हैं। आप बाहर की एजेंसी को भी हायर कर सकते हैं। सेकेंड पार्टी ऑडिट में कस्टमर सप्लायर के यहां पर ऑडिट करता है जिसमें बिजनेस रिलेशनशिप होता है। थर्ड पार्टी ऑडिट में सर्टिफिकेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करती है सर्टिफिकेशन के पर्पस से और इनमें कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होता है। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा प्रोग्राम आपको क्लैरिटी देने के लिए कि ऑडिट क्या होता है और सिस्टम ऑडिट कितने तरह के होते हैं। हम इसी तरीके से आपके ज्ञानवर्धन के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम लेके आएंगे। हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में अपने दोस्तों कलीग्स को भी हमारे प्रोग्राम के बारे में बताइए और हमसे जुड़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट कीजिए। हमें इस चैनल को शुरू किए हुए करीबन 1.5 महीना हो गया है और इन 1.5 महीनों में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है और लोगों को हमारे वीडियो काफी पसंद आ रहे हैं। तो हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो बना के लेकर आएंगे। हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।